हमारे साथ हैं राजेंद्र देवड़ेकर सर, मेयर कल्याण डोंबिवली। सर नमस्ते। सर आज कल्याण स्मार्ट सिटी समिट हो रहा है, आपका क्या कहना है सर, कितना ज़रूरी है ऐसा समिट? नहीं, आज बहुत खुशी हो रही है कि देश के आदरणीय पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे गार्जियन मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, इनका जो शहरों का स्मार्ट करने का जो नियोजन है, इसी के तहत हमने कल्याण डोंबिवली में आज स्मार्ट सिटी परिषद का आयोजन किया है। और इस समिट के लिए देश के कोने कोने से और महाराष्ट्र के भी टॉप ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, फाइनेंस के कुछ चेयरपर्सन्स यहाँ पे आए हैं। और इस समिट के द्वारा स्मार्ट सिटीज़ की बनाने की योजनाओं में जो प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, उसको कैसे फेस किया जा सकता है, उस पर सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, व्हाट इज स्मार्ट सिटी, इस विषयों पे ऊपर बहुत सारी डिटेल चर्चा हुई। तो इस सभी चर्चा का हमें KDMC में काम करते वक्त बहुत फ़ायदा होगा। और हमारा जो मकसद है कि लोगों को अच्छी सुविधा देनी है, जो काम हमने हमारे शिवसेना के मैनिफेस्टो में दिया है कि लोगों को अच्छी सुविधा हम इस 5 साल में प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे उद्धव साहब का स्वप्न है। तो निश्चित रूप से इस समिट को लेके उसके ऊपर बहुत काम होगा और हमें एक मार्ग आगे चलने का इस रूप से मिल जाएगा। सर स्मार्ट सिटी बहुत सारे बन रहे हैं भारत में, तो स्मार्ट सिटी के बारे में आपका क्या कहना, कितना ज़रूरी है लोगों को और सुविधाएं देने के लिए? स्मार्ट सिटी इज अ फिनोमेना। इसमें हम जो अभी जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रही है उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, लोगों को जो आज सुविधा मिल रही है, आगे जाके अगर हम अपने कॉरपोरेशन में और हमारे एस्टेब्लिशमेंट में अगर अच्छी डिसिप्लिन लाते हैं, सही समय पे अगर निर्णय लिए जाते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी अगर रहती है और लोगों का इंक्लूजन अगर इसमें रहेगा, तो निश्चित रूप से लोगों को जो सुविधा देना हमारा कर्तव्य है वो हम पूरा कर सकेंगे। सर कल्याण डोंबिवली स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सारे आप लोगों ने स्टेप्स लिए हैं अभी, तो इनमें से कुछ हमें ज़रा बताइए। कल्याण में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कल्याण डोंबिवली में हमने सभी नागरिकों का सिटीजन कंसल्टेशन किया है। उसमें से हमारे सामने समस्याओं की प्राथमिकता आई है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और ये जो ट्रैफिक कंजेशन है, इस इज़ द मेन इशू। सेकंडली और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज़, एंड थर्ड वन और एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन आवर KDMC एरिया, चौथे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, पोल्यूशन का प्रश्न है, ये सभी सारी समस्याओं की प्राथमिकता हमारे सामने आई है। हमारा फ्यूचर जो प्लान है इसी को मद्देनजर रखे हम वी आर प्लानिंग ऑल द थिंग्स फॉर मेकिंग द सिटी स्मार्ट। थैंक यू सर।